ऑलराइट गाइस, सो पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। थोड़े टाइम के बाद मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आज यहाँ पर जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है एम्बिग्विटी किस तरह रिजॉल्व की जाती है इनहेरिटेंस में कभी आ जाती है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को अगर लेकर चलूँ अपने पिछले उदाहरण में, जो कि मैंने दिया था बेस वन बेस टू से इनहेरिट हो रहा था, डिराइव्ड बन रही थी एक, तो यहाँ पर एक बड़े आराम से हमने जो है इनहेरिटेंस को किया। एक हमारे पास बेस वन इंट नाम का इंटीजर था, बेस टू इंट नाम का इंटीजर था और एक बेस थ्री नाम इंट नाम का भी इंटीजर था। हमने इन तीनों को इनहेरिट करके डेराइव्ड बना दी। हमने कहा बल्ले बल्ले मज़ा आ गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि एक ही नाम से एक फंक्शन यहाँ पर है बेस वन में, एक ही नाम से उसी नाम से बेस टू में भी वो फंक्शन है और बेस थ्री में भी उसी नाम से वो फंक्शन है, अब डेराइव्ड में कौन सी वाली इंप्लीमेंटेशन यूज़ होगी ये बताओ। तो ये एक कन्फ्यूज़न हो जाता है या नहीं हो जाता है बताओ। ये एक कन्फ्यूजन हो जाता है और इस एम्बिग्विटी को आपको करना पड़ेगा रिजॉल्व, क्योंकि आप रहना चाहते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर यहाँ पर इसका जो मान लो ग्रीट नाम से एक फंक्शन है जो कि ग्रीटिंग करता है, ये बोलता है हमेशा हेलो, ये हमेशा बोलता है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, और मान लो ये बोलता है आपका कैसे हो, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि डिराइव्ड का जो ग्रीट फंक्शन है वो क्या बोलेगा। कुछ भी बोल दे तो नहीं चलेगा ना, आप चाहोगे जो वही बोलना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि बेस टू वाला ग्रीट यूज़ हो तो आपको उस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग को एम्बिग्विटी जो आती है उसको अलग से रिजॉल्व करना पड़ता है और इसको कहते हैं एम्बिग्विटी रिजॉल्यूशन इन इनहेरिटेंस। यानी कि जब इनहेरिट कर रहे हैं हमारे पास कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो कि ऑब्वियस नहीं है कि यार तीन फंक्शंस हैं अलग अलग क्लासेस में और तीनों क्लासेस से डिराइव हो रही है एक नई क्लास, तो तीनों में से किसका फंक्शन इस्तेमाल होगा, ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल बन जाता है। जैसे कि अगर मैं वापस इस वीडियो में जाऊँ, मैं बार बार इस वीडियो को रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें मैंने सारी तरह की इनहेरिटेंस के बारे में आपको बताया हुआ है। मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करता हूँ, ए और बी में मान लो ग्रीट फंक्शन है तो सी में किसका ग्रीट फंक्शन आएगा। मतलब मेरा जो सवाल है उसको मैं अगर 100 बात की एक बात करूं तो ये है कि भाई ए में भी एक चीज़ है बी में भी एक चीज़ है, अब सी जो इनहेरिट हुई वो ए और बी से हुई तो सी में कौन सा वाला आएगा, ए का आएगा या फिर बी का आएगा। ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी एम्बिग्विटी बना देती है और इस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं इस एम्बिग्विटी को किस तरह रिजॉल्व करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एम्बिग्विटी को क्रिएट करते हैं पहले और एम्बिग्विटी को क्रिएट करने के बाद उस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर tut43.cpp करके एक नया मैं एक फाइल बना रहा हूँ और ये बॉयलर प्लेट कोड जो कि मैंने बनाया था अपने कुछ पिछले वीडियोज़ में, काफ़ी वीडियो पहले बनाया था स्टार्टिंग में इस प्लेलिस्ट के। अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है किसी ने बाय एनी चांस तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैंने आप लोगों को अलग अलग जगह पर अलग अलग बहुत काम की चीज़ें बता रखी हैं। तो प्लीज़ इसको एक्सेस करके बुकमार्क करो, यहाँ पर सेव करो, किसी भी तरह इन वीडियोस को सीक्वेंस में देखो, मतलब कहने का ये है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले दो क्लासेस बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इनहेरिट करके एक डिराइव क्लास बनाऊँगा और एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद उसको रिजॉल्व करके दिखाऊँगा, ठीक है। ओके, तो मैं अपनी क्लासेस को ऑफन नाम देता हूँ क्लास बेस वन। जब भी मैं एग्जांपल दे रहा होता हूँ तो मैं अपनी क्लासेस का नाम बेस वन बेस टू करके ऐसे रखता हूँ, और वैसे जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ काम तब मैं उसका नाम वो रखता हूँ जो कि वो रिप्रेजेंट कर रही है। अगर किसी गेम प्रोग्रामिंग में वो प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रही है तो मैं क्लास प्लेयर करता हूँ। पुलिस को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसका नाम पुलिस रखता हूँ। अगर वो किसी भी व्हीकल को रिप्रेजेंट कर रही है तो व्हीकल रखता हूँ। उस हिसाब से जो है नाम देना पड़ता है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि जब बड़े कोड बेस हो जाते हैं ना तब समझ में आती है ये बात कि यार जो मैंने नाम रखा है किस चीज़ का क्या रखा है। जब एक साथ बहुत सारा कोड देखने को मिलता है एक प्रोजेक्ट में जिसमें 10 15 20 एंड मे बी मोर देन 100 पीपल ने काम किया होता है, तब आपको मतलब अगर नाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं मीनिंगफुल नहीं मिल रहे हैं कोड के अंदर तो आप कहोगे कि यार मैं इस कोड में काम नहीं कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए हमेशा अपने वेरिएबल्स और क्लासेस के नाम मीनिंगफुल चूज़ करना, ठीक है। तो मैं जो कि मैंने बताया था जैसे कि आप लोगों को कि भाई पब्लिक मैं ग्रीट फंक्शन ही बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा void greet और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये वाला जो greet फंक्शन है वो सी आउट करके कह रहा है हाउ आर यू, ठीक है। सिंपल सा एक ग्रीटिंग दे रहा है ये और कह रहा है हाउ आर यू। अब सिमिलरली यही ग्रीट मैं यहाँ पर भी ले आऊँगा, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज है उसको मैं कर दूँगा चेंज। मैं कहूँगा यार कि अब जो मैसेज है मेरा वो हाउ आर यू ना होके कैसे हो गया, ठीक है। तो एक जो है वो हिंदी में बोल रहा है और एक जो है वो बोल रहा है इंग्लिश में। तो अब मैं चाहता हूँ कि बेस वन और बेस टू से एक क्लास बने डराइव होके, और मैं कहूँगा कि यार इसको कर लो डराइव और अपनी इस क्लास को डराइव मैं कर दूँगा। दोनों को मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँगा, पब्लिक बेस वन और पब्लिक ही
बेस टू, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिंपल सी मैंने यहाँ पर इनहेरिटेंस कर दिया, पब्लिक बेस वन पब्लिक बेस टू, इसके अंदर मैं यहाँ पर पब्लिक करके जो कि मैंने ऊपर किया है वही कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर void greet, और आई एम सॉरी मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखना है अभी, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक क्लास बनाई है, मान लो यहाँ पर मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल बना दिया int a, ठीक है, या सेमी कोलन बना दो। अब मान लो मैंने अगर बेस वन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेस वन ओ बी जे। मैं यहाँ पर इसको अगर कुछ इस तरह से लिखूँ, बेस बेस वन ओ बी जे, यानी कि मैंने बेस वन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, और उसके बाद मैं बेस टू का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लो लिखता हूँ बेस टू ओ बी जे, और बेस वन ओ बी जे और बेस टू ओ बी जे, मैंने ये बेस टू का बनाया तो मैं इसको बेस टू लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मैं कॉल करूँ बेस वन ओ बी जे डॉट, और उसके बाद मैं ग्रीट को कॉल करूँ और इसको मैं रन करूँ, तो आप लोगों को ऑब्वियसली जो बेस वन के अंदर मैंने हाउ आर यू डिफाइन किया है वो यहाँ पर प्रिंट होकर मिल जाएगा। नथिंग न्यू, नो रॉकेट साइंस, ठीक है। लेकिन और अगर मैं यहाँ पर बेस टू लिखूँ तो मुझे दूसरा वाला मिल जाएगा, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो दो लाइन है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हमने ये तो अभी आपको बहुत आसान लग रही होंगी अगर ये वीडियोस आपने देख लिए तो, कि यार ये तो प्रिंट होना ही है, डराइव क्लास को बनाया है बेस वन और बेस टू क्लास से इनहेरिट करके, तो ये तो बनना ही है, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या नई बात है। तो नई बात देखो कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने डराइव्ड का बना दिया, डराइव डी मान लो एक बना दिया, और मैं डी का ग्रीट रन कर लूँ तो क्या होगा, तो ये तो एक एम्बिग्यूटी है ना। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि यार रिक्वेस्ट फॉर मेंबर ग्रीट इज़ एम्बिगुअस। वो कह रहा है यार तुम कह रहे हो कि ग्रीट को रन करो, मैं कंपाइलर, अगर कंपाइलर एक देसी आदमी होता, अगर कंपाइलर इंडियन होता तो वो कैसे बोलता, मैं बता रहा हूँ आपको। वो कहता है यार मतलब तुम डी के ग्रीट की बात कर रहे हो जो कि तुमने डिराइव करी है क्लास बेस वन और बेस टू से, किसका मैं किसका ग्रीट लूँ तुम ही बताओ, मैं इसका ग्रीट लूँ या इसका ग्रीट लूँ। तुमने मेरे सामने एक बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दी, तुमने ये वही वाली बात कर दी, एक बच्चा होता है उससे पूछते हैं ना कि बेटा मम्मी अच्छी है पापा अच्छे हैं, और वो ई करके अपने दांत दिखाता है सिर्फ, कुछ बोलता नहीं है, कहता है यार मम्मी नहीं होती है तो बोलता है पापा अच्छे हैं, और पापा नहीं होते हैं तो बोलता है मम्मी अच्छी है, ठीक है, और दोनों होते हैं तो अपने दांत दिखाता है ई करके, दोनों अच्छे हैं। तो बिल्कुल वही वाली चीज़ यहाँ पर खड़ी हो गई है, और हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा बेस वन का ग्रीट यूज़ करना है या फिर बेस टू का ग्रीट यूज़ करना है। तो इंट ए मैंने यहाँ पर लिखा, और बहुत ही सिंपल सा एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने का तरीका है, आप क्या करें यहाँ पर लिखें पब्लिक, और उसके बाद आप बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ग्रीट फंक्शन बनाएं, और आप कह दें कि भाई देखो ऐसा है जो मेरी बेस वन क्लास है मैं उसका ग्रीट यूज़ करना चाहता हूँ, तो बेस वन का ग्रीट यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा बेस वन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन का नाम, मैंने कहा कि कभी भी कोई डिराइव्ड के ग्रीट को कॉल करे तो बेस वन का ग्रीट कॉल हो जाए। और अब देखो मैं इसको रन करूँगा तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर कंप्लेन नहीं करेगा। मैं ज़रा इसको रन करता हूँ और मैं इसको रन करूँगा तो देखो इसने बेस वन के ग्रीट को कॉल कर दिया जो कि हाउ आर यू था। अगर मैंने यहाँ पर बेस टू के ग्रीट को कॉल करने की बात की होती तो यहाँ पर ये मेरे लिए बेस टू के ग्रीट को कॉल करता, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसने कैसे हो को प्रिंट किया। तो डिराइव्ड क्लास में अगर एम्बिग्यूटी आ जाती है तो उसको हमें इस तरह से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाकर रिजॉल्व करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन। बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपका एरर आएगा, आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार जो पहली वाली है उसका रन हो जाए या बाद वाली जो है क्लास जिसका नाम लिखा है वो रन हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप लोगों को खुद से एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक तरह की इनहेरिटेंस जिसमें एम्बिग्यूटी आई, तो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर एक और एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन का एग्जाम्पल देने वाला हूँ जहाँ पर एम्बिग्यूटी आ सकती है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ ऐसे, एम्बिग्यूटी वन कर देता हूँ इसको, एम्बिग्यूटी वन, ठीक है। अब एम्बिग्यूटी टू जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखना, और एम्बिग्यूटी वन वाला जो कोड है उसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, क्लासेस को बना रहने देता हूँ। इस पॉइंट पर आपको ये तो पता ही होगा कि यार अगर क्लासेस को बना हुआ छोड़ दिया और उसके कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाए तो वो यूज़ नहीं होगी, मेन के अंदर मैं उसके ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाऊंगा तो वो यूज़ नहीं होने वाली, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आप लोगों को देता हूँ, अगर मान लो मैंने एक क्लास बनाई यहाँ पर, ठीक है, और ये एक तरह से एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व नहीं करना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा जहाँ पर आपको थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आ सकती है, और आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर वो जो एम्बिग्यूटी है वो किस तरह से रिजॉल्व होती है अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बना दूँ क्लास एक बेस
और मैं कहूँ लगता है मैंने बेस के नाम से नहीं बनाई क्लास, ओके मैंने क्लास बी बी और डी के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। एक क्लास बना ली बी, और क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसके पब्लिक के अंदर लिख दूँगा मान लो वॉइड, मैं लिख देता हूँ से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसकी एक ड्राइव क्लास बनाऊंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्लास डी, और मैं कहूँगा कि यहाँ का जो पब्लिक है, अगर मैं यहाँ पर से नहीं बनाऊँ वापस से, मैं यहाँ पर वापस से अगर नहीं बनाऊँ, मान लो मैंने यहाँ पर एक इंट ए रख दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक से लिख दिया, अगर मैं यहाँ पर से नहीं बनाता तब तो बात बिल्कुल क्लियर थी कि भाई ऊपर वाला जो से था वो इनहेरिट हो जाएगा। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इसको, हेलो वर्ल्ड माय ब्यूटीफुल पीपल, ठीक है, और वर्ड हटा देता हूँ, हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल लिख देता हूँ। अब देखो अगर मैंने ये नहीं लिखा होता, से फंक्शन वापस से नहीं बनाया होता यहाँ पर, तब तो एक बात क्लियर थी कि भाई देखो जो ऊपर का फंक्शन है वो नीचे आ जाता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, तो इस केस में यहाँ पर क्या होता है कि जो डिराइव क्लास है वो इनहेरिटेड फंक्शन को ओवरराइड कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाता हूँ, अगर मैं एक बेस क्लास का एक बी बना दूँ और मैं यहाँ पर बी डॉट से को रन करूँ, तो आप लोग देखो बी डॉट से तो वही रन करेगा जो बी के अंदर है, यानी कि हेलो वर्ल्ड। और अगर मैं यहाँ पर एक बना दूँ डिराइव क्लास का से डी, और मैं डी डॉट से को रन करूँ, तो क्योंकि मैंने डी डॉट से का अपना एक और से बना दिया है, तो वो अपने से को रन करेगा, यानी कि वो हेलो माई ब्यूटीफुल पीपल को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर बाय एनी चांस ये पब्लिक फंक्शन नहीं होता डी के अंदर, अगर ये पब्लिक फंक्शन डी के अंदर नहीं होता और मैं इसको रन करता, ओके मुझे सेलेक्ट करके रन नहीं करना है, इसको मैंने रन किया, लगता है मैंने कोई गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, मैंने डी डी किया उसके बाद मैंने डी डॉट से किया, तो ये कह रहा है कि डी में कोई से नहीं हो कि मुझे इसको इनहेरिट करना है, मैंने इनहेरिट तो किया ही नहीं, तो मैं इसको पब्लिकली इनहेरिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा पब्लिक बी, ठीक है। तो मैंने इसको पब्लिकली इनहेरिट कर लिया बी से, अभी देखो हेलो वर्ड हो जाएगा। तो जब ये नहीं था तो ये ऊपर से इनहेरिट कर लेगा, और जब ये है इसका मैंने अपना लिख दिया से, तो ये अपने से को कॉल करेगा, देख लो आप लोग, ये अपने से को कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बिग्विटी अपने आप रिजॉल्व हो रही है, जब बेस क्लास के से को इनहेरिट करती है डिराइव क्लास, और डिराइव क्लास ने अपना से कोई अपना जो फंक्शन है वो नहीं डिफाइन किया होता, तब बेस क्लास का यूज़ होता है। लेकिन जहाँ उसने अपना फंक्शन लिखा है तो कंपाइलर समझ जाता है कि यार तुमने अपना फंक्शन क्यों की लिखा है, तो यहाँ पर तुमने ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये बिना कुछ फालतू के तो लिखा नहीं है, इसका तुम यूज़ करना चाहते हो डी में, तभी लिखा है ना। तो इसीलिए वो ये मान लेता है बाय डिफॉल्ट कि आपने क्योंकि से को नया बनाया है तो मैं मान लूँगा कि ऊपर वाले से को ओवरराइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी डीज न्यू से मेथड विल ओवरराइड बेस क्लासेस से मेथड, ठीक है। और यहाँ पर जो से के बाद मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ऐसे लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए आपको कि जो से है वो एक फंक्शन है, ठीक है। तो क्लास डी पब्लिक बी, उसके बाद इंट ए मैंने इसका अपना बनाया, डी को डराइव किया बेस क्लास बी से, फिर मैंने यहाँ पर कहा कि देखो भाई ऐसा है कि अगर एम्बिग्युटी यहाँ पर आती है तो वो खुद रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन असली एम्बिग्युटी रिजोल्यूशन जो था वो ये वाला था, जो मैंने आप लोगों को ये बेस वन बेस टू से डिराइव बनाई और मैंने आपको दिखाया कि इन दोनों में से कौन सा ग्रीट वो यूज़ करे, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, और फाइनली आपको उसको बताना पड़ता है ये लिखकर कि आप बेस टू का ग्रीट यूज़ करें या फिर बेस वन का यूज़ करें, या फिर अगर आपके पास बेस थ्री भी है, एक और क्लास है यहाँ पर, कितनी भी क्लासेस हो सकती हैं जिनसे आप इनहेरिटेंस करवा सकते हैं, तो आपकी अगर मल्टीपल बेस क्लासेस हैं तो आप बता दो कौन सी बेस क्लास का ग्रीट यूज़ करना है, वो अपने आप उसी क्लास का जो ग्रीट फंक्शन है वो यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो ये थी एम्बिग्विटी कैसे आती है इनहेरिटेंस के अंदर, कैसे उसको रिजॉल्व करना है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसी लग रही है अभी, ईजी लग रही है या नहीं लग रही है मुझे बताओ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं शुरू से और एक एक चीज़ आपने जो है समझी है, तो डेफिनेटली आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इश्यूज़ नहीं होने चाहिए।
एटलीस्ट एट दिस पॉइंट आप लोगों को इशू नहीं होने चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं काइंडली इन वीडियो को लाइक भी एक दे दिया करो, और अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी आप लोगों ने अभी तक तो इस प्लेलिस्ट को ऊपर क्लिक करके एक्सेस ज़रूर कर लेना, यहाँ पर आप क्लिक करके बुकमार्क कर लेना या क्लिक करके सेव कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।